सो के गाइस, आज हम देखेंगे अपने पीसी या लैपटॉप के लिए गूगल क्रोम डाउनलोड कैसे करना है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपना जो गूगल वेब ब्राउज़र उसको साइन कैसे करना है अपने अकाउंट से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आखिर कैसे करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम अपने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए हम अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है उसको यूज़ करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने विंडो पर इंस्टॉल होता है। आप फायरफॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, फिलहाल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है इसलिए मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको दिखाई देगा सर्च बार, तो वहाँ पर आपको टाइप करना होगा डाउनलोड गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही डाउनलोड गूगल क्रोम लिखेंगे, इसके बाद फ्रेंड आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है, और इंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो लिंक है वो ओपन हो जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक है गूगल वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो काफ़ी सारे लिंक्स दी हुई हैं, तो हमें फिलहाल सबसे वाली ऊपर वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो जो हमारी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड गूगल क्रोम के लिए जो दी हुई है, तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद हमारा जो मेन इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको आपके सिस्टम पर दिखाई देगा, और आपको नीचे के नीली बटन पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड क्रोम करके। तो फ्रेंड्स, इस नीली डाउनलोड क्रोम बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद एक और नया इंटरफेस खुलेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर जैसा कि देखेंगे कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग के लिखा है, जस्ट फ्यू स्टेप बचे हैं डाउनलोड करने के लिए। अब नीचे एक ऑप्शन देखेंगे डाउनलोड क्रोम मैनुअली, आप इससे मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ऊपर एक बटन दिया नीला डाउनलोड क्रोम, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों, राइट क्लिक बॉक्स को चेक करके एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारी exe फाइल है वहाँ पर नीचे हमारी डाउनलोड होने लगी। काफ़ी छोटी फाइल है तो वो exe फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप यहाँ पर ओपन फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे थ्री डॉट साइट पर, तो उस थ्री डॉट पर क्लिक करके आप सिंपली सोल फोल्डर पर चले जाएंगे, ये फाइल कहाँ पर डाउनलोड हुई है। तो फिलहाल मैं सोल फोल्डर पर क्लिक किया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा गूगल क्रोम एक्स फाइल है उसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन होगा, तो आपको यस करना है। तो फ्रेंड्स, पॉपअप विंडो पर परमिशन यस करने के बाद आपका जो गूगल क्रोम है वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड होने में कुछ टाइम का वक्त लगेगा, ये आपके डाउनलोड स्पीड पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा जो गूगल क्रोम है वो डाउनलोड होने के लिए कुछ मिनट का वक्त लगेगा, तो आपको वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ मिनट आपको वेट करने के बाद आपके सिस्टम पर गूगल क्रोम सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ही आपको इंस्टॉल की प्रोसेस दिखेगी। तो जो इंस्टॉल की प्रोसेस है वो विद इन अ सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और इंस्टॉल की जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम पर गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, हमारा जो गूगल क्रोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद ओपन हो गया है। इसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, नेक्स्ट का बटन दिख रहा है नीली कलर की, उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पिकअप बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड पर रखने के लिए एक पिक चुन सकते हैं, या तो सिर्फ इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, हमारे सामने एक और ऑप्शन आएगा सेट इट डिफ़ॉल्ट, तो आपको स्किप पर क्लिक करना है, और स्किप पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू का, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसा आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर अपना जो गूगल का वेब ब्राउज़र है उसको हम अपने अकाउंट से साइन कर लेंगे। जैसा कि मैं जीमेल आईडी लिख रहा हूं, तो आप भी अपनी किसी भी या कोई भी जो जीमेल आईडी होगी उसको आप यहां पर टाइप कर देना है अपना जो वेब ब्राउज़र उसको साइन करने के लिए। तो इसके बाद नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, जीमेल आईडी लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड की रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा सिक्योर होने के लिए। तो यहाँ पर इंटर पासवर्ड लिखा, तो मैं अपना जो पासवर्ड लिखूँगा, तो मैंने दोस्तों अपना पासवर्ड लिख लिया है, और लिखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट, उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर, यस आई एम, उस पर क्लिक करना है। तो जो आपका जो वेब ब्राउज़र वो सक्सेसफुली साइन हो जाएगा, आप मेरे अकाउंट को यहाँ पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं और वेब ब्राउज़र को साइन करते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा, और दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कस्टमाइज क्रोम करके, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि कलर थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो के लिए बस इतना ही,